दोस्तों हमारे साथ आज फुरेजी की एक्स काउंसलर और AICC की स्पोक पर्सन मैडम इशरत जहां मैडम है कि मैं उनसे पूछूंगा कि मैडम जो हमारे देश में इस वक्त NRC और CAA का जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है। देखिए हमारी ये मांग है और आज हमारे प्रोटेस्ट को भी 38 दिन हो गए हैं और इस कवायद को शुरू किए हुए 40 दिन हो गए आज के प्रोटेस्ट के लिए कि CAA कानून जो आप धर्म के आधार पर ये मरकजी सरकार लेकर आई है और संविधान को जो धज्जी उड़ाने का काम इस सरकार ने किया है काला कानून लाकर, पहली बात CAA को वापस लीजिए। आप धर्म के आधार पर कभी भी इस तरीके से कानून नहीं ला सकते, संविधान आईन इसकी इजाज़त नहीं देता और आप जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ NPR में जो 7 सवालों के बाद जितने सवाल ये सरकार पूछ रही है उसको हमने हटाने की मांग की है। और अब चूंकि दिल्ली सरकार भी बन चुकी है, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी ये मांग करते हैं कि वो NPR को और स्टेट्स की तरह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पौंडीचेरी जो UT है, यूनियन टेरिटरी है, उन वहाँ ये प्रस्ताव पास किया गया है कि हम NPR को लागू नहीं करेंगे। मैडम ये जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो मान्य नागरिकता दे रहे हैं, नागरिक किसी की ले रहे हैं और जो इन्होंने कानून बनाया है वो एक कानून ऐसा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं है जो धर्म के आधार पर बनाया हो। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये अमित शाह जी कहीं पर कुछ कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, कहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी रामलीला ग्राउंड पे कहते हैं कि ये झूठ है, ये झूठ है और डिटेंशन सेंटर भी बन रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार का जो दोगला व्यवहार है उसके लिए आप क्या कहेंगे और आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो इस पर कहाँ स्टैंड करती है। देखिए अमित शाह जी की जहाँ तक बात करें तो जिस तरीके से कोयले को कालिक की ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से इनकी नियत में जो खोट है उसे भी हम कोई शक नहीं कर सकते, वो मतलब लाजमी है वो बात। और साथ ही साथ अमित शाह जी अगर सिक्के का एक पहलू दिखाकर बात ख़त्म करना चाहते हैं, हम भी इस बात को मना नहीं कर रहे। बाहर से आए हुए अगर रिलीजियसली कोई परसिक्यूटेड हमारे भाई इन 3 मुल्कों से आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इस अमेंडमेंट को जो कानून बनाया गया बिल लाकर आप उसे धर्म के आधार पर बांट रहे हो और आर्टिकल 14 साफ साफ ये मना करता है और जो संविधान की प्रस्तावना है वो समाजवाद, समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। तो इन सब चीज़ों को ये काला कानून ठुकराता है। संविधान में आर्टिकल 14 की धज्जी उड़ाने का काम अमित शाह ने और मोदी सरकार ने ये काला कानून लाकर किया। तो CAA को हटाने की मांग है। NPR के 7 सवालों के अलावा हम जवाब नहीं देंगे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, चाहे इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन हम लोग दिल्ली के जो लोग हैं वो NPR के पेपर नहीं दिखाने वाले, उन सवालों को हम नकारते हैं। और NRC क्योंकि अमित शाह जी ने खुद कहा था, क्रोनोलॉजी समझाई थी कि CAA पहला कदम, NPR दूसरा कदम होगा NRC के लिए, तो अमित शाह जी वही अमित शाह हैं जो मंचों पे पहले क्रोनोलॉजी समझाते हैं लेकिन बाद में अपने ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट सटा देते हैं जिसमें वो NRC को लाने की बात करते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये लोग आज जो समझते नहीं थे वो समझाने की स्थिति में आ गए। अमित शाह वही अमित शाह हैं जो डोर टू डोर दिल्ली के इलेक्शन में लोगों के यहाँ जाके उन्होंने नाक रगड़ी, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के लोगों ने उन्हें नकार दिया क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, वो दोगले हैं। और जहाँ तक बात है NRC को लाने की, तो हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि ये अपनी बात से पीछे हटेंगे, इसीलिए प्रदर्शन ये एहतजाज जारी हैं और रहेंगे और ये इनडेफिनेट जब तक रहेंगे जब तक ये सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे हुसैनी लंगर में भी आए। लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ फरमान भाई कि आपने हुसैनी लंगर लगाकर खिदमत का नहीं बल्कि कहूँगी कि जो एक इबादत का काम किया है खुरेजी के लोगों के लिए, हमारे लिए, यहाँ की बहनों के लिए। और आपने इतना बड़ा इंतज़ाम यहाँ खाने का किया है कि एक एक बहन आपकी इस खिदमत की, आपकी इस इबादत की शुक्रगुजार रहेगी ताउम्र। शुक्रिया बहुत।